गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये चैनल आपको एक्सपर्ट एडवाइस के साथ साथ रियल एस्टेट में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। मैं हूँ राजवंत सिंह मौली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक सिंपल, मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अप्लाइड नॉलेज। नॉलेज में और अप्लाइड नॉलेज में, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहते हैं, जब वो यूज हो जाती है तो दोनों में क्या फर्क रहता है। सन सेट्स इन द वेस्ट, हमने सभी ने सुना है बचपन से। जब मैंने स्कूल में जो दाखिला लिया था छठी क्लास से, हमें लिखी थी इंग्लिश लगी थी, तो हमारे जो क्लासरूम में लिखा होता था ये द सन सेट्स इन द वेस्ट, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, मतलब जितने भी इंग्लिश के ईडियम थे। तो ये जो है द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये हमने सभी ने सुना है और यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर जाना जाता है। जब हम नरेशन करते थे तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ रहता था। टीचर इस पर ख़ास तौर पर जोर देते थे कि इसका टेंस हम चेंज नहीं करते, मतलब इसका जो हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट में नहीं करते, क्योंकि इट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो मैं ये अब देख रहा हूँ उसको, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अप्लाइड नॉलेज में क्या है। यदि हम अप्लाइड नॉलेज के हिसाब से बात करें, अप्लाइड नॉलेज का मतलब मत्था मार के बात करें, चिंतन करके बात करें, मंथन करके बात करें, तो ये मेरे को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लगती है। सन सेट्स इन द वेस्ट मतलब सन तो खड़ा है, वो कहीं ना सेट्स हो रहा है और ना उसमें से राइज हो रहा है, वो खड़ा है, धरती घूम रही है, धरती की पोजीशन के हिसाब जो मर्जी को सूरज जहाँ भी खड़ा है वहाँ खड़ा है, लेकिन हमने इसको यूनिवर्सल ट्रुथ बनाया हुआ है और स्कूलों में अभी तक यही पढ़ा रही हैं सन सेट्स इन द वेस्ट। विज्ञान ये कह रही है, साइंस ये कह रही है कि सूरज वहीं पर खड़ा है। तो भाई हमने जो यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि सूरज खड़ा है, धरती घूम रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ ये नहीं है सन सेट्स इन द वेस्ट। इसको आप किसी भी एंगल से ले सकते हो, किसी तरीके से भी सोच सकते हो। तो ये जो अप्लाइड नॉलेज है ये निकल के आता है अप्लाइड नॉलेज में से, मतलब जैसे मक्खन है, मक्खन दूध जब दही में मतलब बुलाया जाता है, दही बुलाया जाता है तो उसमें से मक्खन निकल के आता है। ये मक्खन अप्लाइड नॉलेज को हम मक्खन के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। अप्लाइड नॉलेज इज पावर, अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। आप जितना मर्जी क्रैमिंग कर लो, रटाफिकेशन कर लो और जो मर्जी, कई बार ऐसे होता है हमें नॉलेज तो हो जाती है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन एग्जाम में जाते हैं तो भूल जाते हैं। अप्लाइड नॉलेज मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखा उसको, कि मैं जितना भी याद करता था प्रेप में था जब मैं, तो मैंने अपने घर में बैठ के उसको लिख के देखता था। कोई इंग्लिश के चैप्टर थे, कोई कुछ था, उसको लिख के देख रहा, एक बार नहीं लिखा हुआ, दूसरी बार, तीसरी, जब मैं पूरा लिख के देख लेता था तो वो मेरी ज़िंदगी में इस तरीके से उकर जाती थी कि हमें भूलने का मतलब ही नहीं। कोई हमें ये कभी, कई बार बोलते घबराहट में हो गया, ये हमें टेंशन हो गई या हमें कन्फ्यूज़ हो गए, सब कन्फ्यूजन ख़त्म। जिस दिन आप कोई काम लिख के करना शुरू कर दिया आपने याद करने के लिए, तो वो कन्फ्यूज़न सारी ख़त्म कर देगी, क्योंकि आपने नॉलेज को अप्लाई कर लिया है कॉपी पेन लेके। तो आपने अप्लाइड नॉलेज पर ज़्यादा विश्वास करना है, नॉलेज लेनी है। कई बार बच्चे उसको रट्टा वगैरह लगा लेते हैं, उसको क्रैमिंग करते रहते हैं, मेमोराइज करते रहते हैं, ये है वो है, और कई बार मेमोराइज करने में या रट्टा लगाने में गड़बड़ ये हो जाती है कि मैंने ये देखा है बच्चे कई बार जो रट्टा लगाया होता है उसमें लाइनें इधर की उधर हो जाती हैं। हमारे टीचर प्रीतम भाटिया जी कहा करते थे कि यदि आप रट्टा लगाओगे कि आग गर्म होती है, पानी ठंडा होता है, तो आप बार बार बोल के देखो आग गर्म होती है, पानी ठंडा, कहीं ना कहीं जाके ये बात हो जाएगी कि आप आग को ठंडा कहना शुरू कर दोगे और पानी को गर्म कहना शुरू। अप्लाइड नॉलेज क्या है, कहते एक बार किसी बंदे की उंगली आग में लगा दो और उंगली पे जिस दिन छाला हो गया ना, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा उसको। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, कि नॉलेज लेनी अच्छी बात है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना, उस पर ऊपर दिमाग लगाना, मत्था मारना, ये और भी इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ ये कह के, मैं कई बार तो मेरे को लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, कई बार दूसरी तरीके से भी लेते हैं कि भाई मत्था टेकने के बजाय मत्था मारना सीखो। मत्था टेकने का मतलब ये नहीं है
कि आप गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाते हो वहाँ जाना छोड़ दो, जाते रहो, लेकिन यह है जितना आपको जरूरत है वहाँ उतना जाओ, लेकिन मत्था मारना जरूर सीखो। मत्था मारने का मतलब है आपने चिंतन मंथन करना है, नॉलेज को अप्लाई करना है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, यदि आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे नॉलेज को, तो आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो जाएगी, आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। मैंने जब मैं बैंक में अप्लाई कर रहा था, मेरे को जॉब नहीं मिली थी, अप्लाई कर रहा था, तो हम, मैं और मेरा मित्र हरदेव सिंह, हम तैयारी करते थे बैंक की, तो जितने सवाल हमें आने होते थे उतने सवाल हम घड़ी रख के हल करके सॉल्व करने की कोशिश करते थे। कई बार हमारे हमसे हो जाते थे, कई बार नहीं होते थे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हमने करना शुरू कर दिया, होने शुरू हो गए। और फिर जिस दिन मेरा एग्ज़ाम हुआ, बैंक का एग्ज़ाम था, और मैंने अपने दोस्तों को चिट्ठी लिख दी थी कि ये मेरा रोल नंबर अखबार में आएगा ही आएगा, कोई माई का लाल इसको फेल ही नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? अप्लाइड नॉलेज से। जब मैंने जो सीखा वहाँ से, किताब होती थी आर के सोखल की, प्रिंसी, वो वहाँ पर अपने पटियाला की किताब थी कोई, तो उसमें से नॉलेज लेता था और उसको ज़िंदगी में अप्लाई करके देखता था घड़ी रख के, कि मैं 35 मिनट में कितने 35 सवाल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसीलिए फेल हो जाते हैं कि वो डिवीज़न ऑफ टाइम नहीं कर पाते। जो उनको ज़्यादा आता है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते हैं, और दूसरे जो पोर्शन होते हैं उनके साथ उसका, उनको जस्टिफाई नहीं कर पाते। और मैंने अपना रोल नंबर लिख के इसीलिए भेज दिया था अपने दोस्तों को, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ये इस तरीके का अप्लाइड नॉलेज में मैंने लगाया हुआ था, और मेरे को पता था कि मैं इतने एग्ज़ाम, इतनी देर में इतने सवाल कर सकता हूँ, और मेरे पास एक दो मिनट टाइम बच भी जाता था, जबकि लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। और टाइम इसलिए नहीं बचता था कि वो किसी पोर्शन पे ज़्यादा टाइम लगा देते थे और बाकी पोर्शनों के सवाल पूरे नहीं होते थे उनके। सो हमने बैलेंस बना के चलना है, ज़िंदगी में बैलेंस बना के चलना है। हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, और यदि ये टॉपिक अच्छा लगे, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में, यदि आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिल रहा हूँ मैं। पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे, हम इकट्ठे होकर पढ़ेंगे हम तभी तो इकट्ठे बढ़ेंगे हम। मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह माली। थैंक यू।